दोस्तों 6:34 हो चुके हैं, तो भैया ने लिफ्ट दी थी तो इनका दोस्त मिल चुके हैं कोई। और इस जगह का नाम क्या है? नीरज। आपका इस जगह का नाम क्या है? का नाम है राजू लागाव है। और आपका नाम? नीरज। आपसे कनेक्टिविटी कैसी है दोनों की? रिलेशन। क्या बात है, मोटी पार्टी है। दिख भी रहा भाई का। तो भाई ये मुझे कुछ खवाने वाले हैं और खाने के बाद मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। इधर तो बहुत अच्छा फास्ट फूड बना है, पूरा इलाका ही फास्ट फूड का ही है। थैंक यू भैया इसके लिए। तो भैया की तरफ से आ गया सैंडविच। और भाई दोनों सेम लग रहे हैं आपके चेहरे बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, तो 9:51 हो चुकी है और ये देखिए भैया ने ना होटल कर लिया है और खाने के लिए आए। भैया ने मंगाया पालक पनीर, जो भाई काफ़ी टाइम से मैंने खाया भी नहीं है। और कुछ सभी से मैंने चिप्स ही खाए थे भैया आज। तो ये देख लो, आज पूरे दिन में ये खाना मिल रहा है। अगर भैया नहीं मिलते तो ये भी नहीं मिलता आज। तो इसके लिए भैया मतलब क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं मेरे पास। देखो भैया ने कितने काम शुरू करा दिए, मेरे कपड़े वॉश नहीं है आज, वो भी वॉश हो जाएंगे। और खाना मैंने पूरे दिन खाया नहीं था तो वो भी खाना हो जाएगा। और भैया ने रहने के लिए, मुझे रेस्ट करने के लिए अच्छी जगह भी चाहिए थी, क्योंकि 3 दिन से कैंपिंग टेंट में सो रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या है? दोस्तों 10:51 हो चुकी है और भाई मेरे जो कपड़े थे सारे गंदे पड़े थे, मैंने धो के सब कुछ फ्रेश कर दिया। और ये मेरा बैग रखा, ये वाला कमरा है जो भैया ने लिया है, और वो भैया बोल भी से। और अब सोने का वक्त हो चुका है, क्योंकि भाई दोनों थक चुके हैं। भैया बहुत गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और बात कब फ़ोन पर करेंगे, क्योंकि अभी भैया भी थके हुए हैं और मैं भी थका हुआ हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यार मुझे यार कपड़े धोने थे, और भैया की वजह से सब कुछ हो पाया। खाना भी भैया की तरफ से था और लिफ्ट भी भैया की तरफ से थी, और होटल कमरा भी मिल चुका है। और रेस्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो इंडिया, मैं प्लान शुरू कर रहा हूँ भारत की संपूर्ण यात्रा सिर्फ 1 रुपये से। और इस समय मैं हूँ अमरेली में और आज है 12 अक्टूबर 2023। और भैया जी के साथ हमारा कल से सफर चल रहा है, हम जुड़ गए थे लगभग 4:30 बजे के बाद, और अब 10 बजने वाले हैं। तो भैया ने मतलब कि होटल बुक किया था और खाना खर्चा था भैया की तरफ से था, और अब वो मुझे भावनगर की तरफ आई थिंक हाईवे पे छोड़ने वाले हैं। और भैया जी के साथ बड़ा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ेदार है। और सबसे खास बात तो क्या है कि जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन इनका बर्थडे है, बिल्कुल मैच हो गया। और अमरेली में इस समय, और चलते हैं आगे की तरफ। और अभी मुझे लगता है कि गुजरात का सफ़र ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि गुजरात मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा भाई। अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं तो मेरे माइंड में अभी रहा है कि नवरात्रे भी करके ही चलते हैं, और जैसे भी हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर नवरात्रे में मैं पहुंच जाता हूं तो आपको ये वाली जो वीडियो है सबसे लास्ट में मिलेगी, नवरात्रों की वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। ओके, दोस्तों 10:26 हो चुकी है और मैंने ये सेव पूरी सेव खामनी खांडवी समोसा चाट। तो भैया की तरफ से ये सुबह का नाश्ता, मेरे लिए ये वाला नया है और ये मैंने भाई पहले कभी खाया है। दोस्तों 10:36 हो चुकी है और भैया जी का हमारे सफर यहाँ तक ही था, और फिर कभी मिलेंगे दोबारा। थैंक यू। हाय दोस्तों, 12:34 पे पहले लिफ्ट मिली है, अमरेली से यहाँ तक मैं पैदल चल के आया हूँ। और भैया मिले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोंटू है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बोटा का ही रहने वाला। बोटा रहने वाले? तो भैया हमें यहाँ से 100 किलोमीटर छोड़ने वाले हैं। तो भाई आई थिंक मैं भैया से रास्ता पूछने के लिए आया था, भैया ने फिर मेरा ये बोर्ड देखकर संपूर्ण यात्रा मेरे पूछा कि पैदल कर रहे हैं लिफ्ट लेके, तो मैंने कहा दोनों यूज करते हैं। और थैंक यू भैया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, 12:56 हो चुकी है और ये भैया जी ने आज की इंदवाई हमें, ठीक है। और अभी सफ़र जारी है, लगभग हमने 25-30 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है, अभी बाकी है कुछ। तो आज की हम खाते हैं भाई, गर्मी हो रही है तो इतना तो बनता ही था। थैंक यू भैया। और दोस्तों भैया जी ने भाई लस्सी मंगा दी आइसक्रीम के बाद, आज बिल्कुल ठंडा ठंडा कर दिया। और लस्सी भाई टेस्टी लग रही है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, भैया ने एक टेम्पल का नाम बताया, सारनपुर धाम हनुमान जी का मंदिर, तो वो भी जिस तरफ मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद साइड में उधर ही पड़ेगा, तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा इसी रूट में इसी वीडियो के अंदर। बिल्कुल देखना ना, क्योंकि वहाँ पे विदेश से लोग आते हैं साइड। ऑफिस के पहुंचने के बाद भैया जी ने फिर हमको खाना खिलाया, और जो ये खाना का सेंटर है ऑफिस के बिल्कुल जस्ट सामने भी था, और खाना भी टेस्टी था। और वहाँ पे भाई भैया ने भरपेट खाना खिला दिया, उसमें मतलब कि पनीर की सब्जी थी, दाल थी और भात। पता है मतलब कि मुझे कुछ कुछ आ गया है, भात ना पहले नहीं पता था भात क्या कहते हैं, भात दाल कहते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे समझने लगा हूँ। मतलब कि 1 महीना तो हो गया, कुछ ना कुछ तो सीख ही है मैंने। और ये भैया जी ने पूरा बढ़िया नाश्ता खाना खा दिया हमें, और चलते हैं।
आज दोस्तों 3:32 हो चुकी है और ये भैया जी, और हम चलते हैं अब आगे की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बावला जैसे कि 18 तारीख को मैं पहुँच गया था, वहाँ पे 3 दिन रुका था और 22 में बीच गया था, तो उसी मंदिर में मैं रुकने वाला हूँ शिव नारायण का है, क्योंकि वो साधु जी मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे वापस। चलते हैं इधर से भाई, और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया से बातचीत करी हमने, बहुत अच्छा लगा। वाकई में इनका जो विचार है बहुत बढ़िया है भाई। तो दोस्तों जाने का वक्त हो चुका है, तो भैया जी ने फिर से थम्स अप दबा दिए और जो ठंडा पहले पे आया था वो दोबारा से अब कोक पे आ गया है और मैं निकलता हूँ भाई। भैया बहुत बढ़िया है और इतना मिलके अच्छा लगा कि आई थिंक मैं इनके कॉन्टैक्ट में रहूँगा, सभी के लोगों के कॉन्टैक्ट में रहूँगा, लेकिन कुछ लोग बड़े खास होते हैं ना, उनसे मिलने का मन मजा ही लगाता है। ओके भाई, थैंक यू सब कुछ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन दोस्तों का ना मैं आई थिंक जितना भी मदद हो पाएगा मैं लोगों की करूँगा, और मैं कहीं भूखा रहूँगा तो इसका खाना खा लूँगा। और थैंक यू भैया, आप मेरी जर्नी में जुड़ सके हो, मैं मुसाफिर जर्नी। दोस्तों वहां से निकलती है, भैया जी मिल गए, आपका नाम क्या है? गिरिराज ट्रेवर। और आपको कहाँ तक छोड़ने वाले मुझे? वो सालिमपुर का रास्ते पे। थैंक यू भैया। तो दोस्तों सालिमपुर के लिए भाई लिफ्ट मिल चुकी है, तो भैया जी ऑटो वाले, आपका नाम क्या है? भरत भाई। भरत भाई, और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, तो भैया ने वहाँ पे जो सामने खड़े उन्होंने यहाँ पे कहा कि यात्रा वाला लड़का है तो पैसे मत लेना, तो भैया ने कहा पैठ भाई कोई बात नहीं भाई। वाकई में गुजरात में अगर देखो मैं ये नहीं कह रहा ऐसे लोग मिलते हैं तभी अच्छा लगता है, हमें जैसे भी लोग मिलते हैं अच्छा ही लगता है, क्योंकि आपको पता है मैं नेचुरल हूँ। दोस्तों सारंगपुर में पहुंच चुका हूं और ये कुछ इस तरीके का मंदिर है और यहाँ पे ना लोगों की बड़ी श्रद्धा है। शायद वीडियो अलाउ नहीं होगी इधर, लेकिन मैं तब भी देखता हूँ, अगर है वीडियो अलाउ तो अच्छी बात है, नहीं तो घूम के मैं इधर से निकल जाऊँगा। और यहाँ पर ये कुछ लोग हैं, तो भाई इन्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा मजाक समझ रहे हैं कि 1 रुपये में तो हम इंडिया घूम ही नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा भाई आप वीडियो देखना, क्योंकि जो आई थिंक लोग बड़े होते हैं उन्हें समझाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनके सामने आप अच्छे से आई थिंक रिएक्शन भी नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं हनुमान जी बड़े से विशाल, और इन्हें समझाना मैंने सोचा कि बड़े हैं तो आदर करते हैं, तो मैंने कुछ कहा नहीं, ये पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि तेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, रोज़ घर पे बात करता होगा, होटल में खाना खाता होगा, वो सब वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और मैं गलत हूँ, दूसरों के लिए कभी कभी गलत बनना पड़ता है। तो हनुमान जी आप देखिए यहाँ से, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रहने का ठिकाना किधर मिलेगा, यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो और भी अच्छी बात है, कहीं और देख लेंगे। ये फ्रंट गेट है इधर का और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। दोस्तों मंदिर घूमने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं निकल चुका हूँ आगे की तरफ, और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो वीडियो आपको ना पहली मिल जाएगी, देखिए उसी दिन या उससे अगले दिन आपको वीडियो एडिट होकर मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो आपको कुछ दिन लेट दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आने का, ठीक है? तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो उधर ही जाने का रहेगा पूरी तरह से। और ये रोड देखिए, यहाँ से जो बावला है जहाँ पे मैं रुका था वो बीच में पड़ेगा, और अहमदाबाद उससे मतलब 30 किलोमीटर आगे है, ज़्यादा नहीं है। हाय दोस्तों, सारंगपुर से लिफ्ट लिए भैया ने लिए, आपका नाम क्या है? गीता परमार। गीता परमार, और ये कहाँ तक लिफ्ट लिया आपने? बरवाड़ा तक। थैंक यू भैया, सुनिए। हाँ जी दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2023, जैसे कि आपको पता ही है, तो आज के बारे में बताऊँ थोड़ा सा। मैं अमरेली से मैं बावला पहुँच चुका हूँ, जिस दिन मैं 18 तारीख को इस कमरे में रुका था आपको बताऊँगा, अब देखना मेरी बावला वाली वीडियो, जब मैं बीमार था 2-3 दिन बारिश में बीच गया था। तो यहाँ से और अमरेली की जो दूरी है 220 किलोमीटर, आज मैंने 220 किलोमीटर तय की। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कुछ आपको बढ़िया बढ़िया सी बातें, और वो साधु जी से फिर मिला मैं भाई, कॉमेडी साधु जी है पूरे आपको पता ही है। और ये कमरा है मेरा, ये टी शर्ट थोड़ा गंदा था मैंने धो दिया, फ़ोन चार्जिंग को लगाना है क्योंकि डाउन हो चुका है, और इस समय 9 बज रहे हैं, खाना मैंने खा लिया है। और जैसे ही आपको पता है 14 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच है नरेंद्र गांधी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जैसे कि आपको पता है भारत पाकिस्तान का मैच है, तो हम वैसे अंदर तो जा नहीं पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि टिकट तो फुल हो चुके हैं, तो बाहर गए हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, और वो वीडियो आपको उसी दिन या उससे अगले दिन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों? तो आज का सफ़र हमारा यहाँ तक था, और 2-3 दिन यहाँ मैं रुकने वाला हूँ कम से कम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।